Hi everyone, welcome back to my channel. And those who are new, hi, my name is Anshika. So finally, Shopee haul is here. मैं जानती हूँ मेरे कमेंट सेक्शन में, मेरे इंस्टाग्राम के डीएम में लोगों ने मुझे इतना परेशान करा ये बोल के कि दीदी शॉपी हॉल कब आने वाला है। मेरे पास एक वीडियो ऑलरेडी रेडी थी अपलोड करने के लिए, बट मैंने सोचा शायद शॉपी हॉल ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मुझे रिंग लाइट के रिव्यूज देने हैं, प्लस जो मैंने अदर आइटम्स परचेज करे हैं शॉपी से मेरे बैकग्राउंड के लिए, एज वेल एज मैंने बहुत सारे आइटम्स परचेज करे हैं जो आप लोगों को बहुत पसंद आने वाले हैं। Also, this is not at all a sponsored video. मैंने सारे आइटम्स खुद के पैसे से खरीदे। मुझे ये वीडियो रेकमेंड करा है चिल्वी ने, बिकॉज उसने अभी परचेज करा था शॉपी से एंड उसने मुझे बोला कि प्रोडक्ट्स अच्छे खासे रिसीव हो जाते हैं, प्लस टाइम टू टाइम डिलीवर हो जाते हैं। तो इसलिए मैंने सोचा कि ठीक है मैं ऑर्डर प्लेस करके देखती हूँ, एंड लिटरली मेरे ऑर्डर्स आई थिंक 5 to 6 days के अंडर मुझे डिलीवर हो गए थे सारे, हार्डली 7 days, बट मुझे अंडर 1 week में सारे प्रोडक्ट्स रिसीव हो गए थे। एंड वो अलग अलग आते हैं, लाइक एक ऐसा पूरा बॉक्स है उसमें ऐसा नहीं आएगा, अलग अलग सेलर्स हैं शॉपी पे, तो आपको अलग अलग प्रोडक्ट्स रिसीव होगा। बिकॉज ये फर्स्ट टाइम है जब मैंने शॉपी से शॉपिंग करी है, प्लस मैं आपको सारा कुछ डिटेल में बताने वाली हूँ, मेरा क्या एक्सपीरियंस रहा, प्रोडक्ट की क्या प्राइस रेंज थी, मुझे पर्टिकुलरली वो लगा उस लायक कि नहीं लगा, एवरीथिंग। सो या विदाउट एनी फर्दर डिले नाउ लेट्स जंप टू द वीडियो। ऑलराइट, सो अगर हम ऑर्डर्स की बात करें तो मैंने पर्टिकुलरली किसी एक कैटेगरी में फोकस नहीं करा है, लाइक अगर मैंने होम एंड किचन पे परचेज करा है तो मैंने बैकग्राउंड्स के लिए, मैंने कपड़ों में, प्लस मैंने स्टोरेज आइटम्स के लिए भी मैंने अलग अलग आइटम्स परचेज करे हैं। मैंने पर्टिकुलरली किसी कैटेगरी पे फोकस नहीं करा था, बिकॉज मेरा ये फर्स्ट टाइम था जब मैं शॉपिंग से परचेज कर रही थी, तो मैं चाहती थी थोड़ा हिट एंड ट्रायल खेलने के लिए, लाइक कैसी क्या क्वालिटी आती है एंड एवरीथिंग। तो मैंने इलेक्ट्रॉनिक्स से लेके होम किचन से लेके बैकग्राउंड से रिलेटेड सब कुछ परचेज करा है। सो मैं ऐसे रैंडमली कुछ ना कुछ उठाती जाऊंगी, बट जो सबसे पहला प्रोडक्ट जो मुझे नेसेसरी आई थिंक शेयर करना वो है रिंग लाइट, बिकॉज मैंने स्टोरी डाली थी रिंग लाइट की एंड एवरीवन वाज लाइक ये 250 की है। Yes, you heard it right. ये 250 की है, बट ये without stand. बहुत सारे लोगों ने क्वेश्चन किया था कि ये with stand है या without stand है, so of course ये आपको without stand मिलेगा, but आपको stand भी available है शॉपी पे, आप सर्च कर सकते हैं, बहुत सारे आइटम्स अवेलेबल हैं शॉपी पे, बहुत सारे। सो मैंने सर्च करा था पर्टिकुलरली रिंग लाइट की प्राइस रेंज मुझे आई थिंक 150 से स्टार्ट होते मुझे आई थिंक 1000 तक की रेंज में भी रिंग लाइट मिली थी वहां, बट देन आई थॉट कि मुझे सिर्फ और सिर्फ हिड एंड ट्रायल के लिए चाहिए, तो मैं 250 की कैटेगरी में जाऊंगी। सो दिस इज द रिंग लाइट जो मुझे वहां से मिली है, लाइक मैंने ये वाली परचेज करी है, सो आई थिंक अब ज्यादा बेटर है, बिकॉज उस साइड में कर रही हूँ ना तो वो कलर नहीं आ रहा, बट अभी मैं इसे ऑफ कर देती हूँ एंड फिर मैं आपको साइज वगैरह बताती हूँ और इसका क्या ऑपरेट करने का सिस्टम है वो भी। सो बेसिकली मैंने इसे ऑफ कर दिया है। सो दिस इज द साइज, लाइक आपको ये डिजिटेक जितना साइज नहीं मिलेगा ऑफ कोर्स, बिकॉज डिजिटेक इज लाइक आपको वो 3K की पड़ती है, एंड दिस वन इज लाइक आपको 250 में मिल रही है, इवन आई थिंक ये 200 की भी प्राइस रेंज में अवेलेबल है, बट आपको अलग अलग सेलर्स मिले एंड मुझे सबसे अच्छे रिव्यूज जहां मिले थे ना मैंने वहीं से परचेज करा। सो आपको इसमें एक लीड मिलती है, आपको वेट में दिखाती हूँ। सो या सी, आपको ये कुछ इस टाइप की रिसीव होगी एंड ये लीड ऑलरेडी इसमें अटैच है। सो इसका ऑपरेटर इसमें अटैच है एंड इसमें आपको अलग अलग ऑप्शंस मिलते हैं। द वेरी फर्स्ट इज लाइक आपको ऑन करना है ऑफ करना है, फिर आपको ब्राइटनेस कितनी ज्यादा करनी है, लाइक प्लस से आप इंक्रीज कर सकते हैं, माइनस से आप डिक्रीज कर सकते हैं, एंड जो ये सेंटर वाला है ना उससे आप चेंज कर सकते हैं कलर, द लाइटिंग कलर, लाइक इसमें आपको 3 कलर्स मिलते हैं, 3 वेरिएंट मिलते हैं, येलो, व्हाइट एंड जो एक नॉर्मल जो बीच का टोन आता है वो वाला। सो आपको 3 शेड्स मिलेंगे, प्लस आपको इसमें लगाने के लिए एक चार्जर की नीड है जो अडैप्टर आता है, बिकॉज आपको इस टाइप की कुछ लीड मिलेगी जो आपको अडैप्टर में लगानी है। सो अब हम इसे अडैप्टर में लगाते हैं एंड फिर हम स्विच ऑन करते हैं। सो मैंने स्विच ऑन करा है, बट उसके बाद आपको ये जो इसका ऑपरेटर है ना यहाँ से आपको ऑन करना है। सो या इट्स ऑन एंड ये है अभी व्हाइट कलर में, मैं प्लस दबा के देखती हूँ कि इतना ही है। सो द मैक्सिमम लाइट जो इसमें दे रही है आई थिंक यही है, नो इससे ज्यादा भी हो रही है, हाँ आई थिंक ये इसकी मैक्सिमम लाइट है, बिकॉज अभी मैं यूज कर रही थी इसे सबसे लो लाइट में एंड अब हम इसे मैक्सिमम करते हैं तो ये बहुत ज्यादा बढ़ गई है। सो दिस इज द वाइट लाइट एंड अब हम इसका कलर चेंज करते हैं। सो इसमें एक चेंज करने का ऑप्शन है, सो दिस इज द वाइट लाइट आई गेस एंड दिस इज द येलो वन। सो ये है येलो, ये चेंज हुआ, ये चेंज हुआ,
सो यार यू कैन सी द डिफरेंस ऑफ कोर्स, आपको तीन अलग अलग लाइट मिल रही है। अकॉर्डिंग टू द प्राइस रेंज इट्स वन ऑफ द बेस्ट डील जो आपको मिलने वाली है शॉपिंग। ओनली डिसएडवांटेज आपको इसे रखने में इशू जाएगा, बिकॉज अभी मैं क्या यहाँ पे एक कार्डबोर्ड की मदद से इसे स्टेबल करके रखी हूँ, बट मुझे इसके लिए स्टैंड लेना पड़ेगा ऑफ कोर्स इन द फ्यूचर। मैं कोई भी एक सस्ता टिकाऊ सा ट्राइपॉड ले लूंगी, मे बी का शॉपी से ही मैं परचेज कर लूँ, बट अगेन शॉपी इज लाइक मुझे इलेक्ट्रॉनिक आइटम में इसको देख के बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन अब बढ़ गई है। मैंने 4 से 5 इलेक्ट्रॉनिक आइटम ऑलरेडी प्लेस करके रखे हैं, बट मैंने विशलिस्ट भी करके रखा है। मैंने आरजीबी लाइट्स इतनी सारी विशलिस्ट करके रखी है शॉपी पे। आई थिंक पार्ट टू में आपको बहुत सारी नए नए इलेक्ट्रॉनिक आइटम देखने के लिए मिलेंगे। सो इफ यू गाइस वांट अ पार्ट टू, लाइक अगर आपको पार्ट टू चाहिए ही चाहिए, देन प्लीज आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, मैं जरूर शेयर करूंगी। ओके सो द नेक्स्ट आइटम इज अगेन एन इलेक्ट्रॉनिक आइटम एंड ये है ट्यूब लाइट। यस, मैंने वो बड़ी वाली ट्यूब लाइट नहीं खरीदी है, मैंने छोटी वाली ट्यूब लाइट खरीदी है। द ओनली इशू जो मुझे डिसएडवांटेज लगा है शॉपी का वो ये है कि शॉपी कभी कभी बहुत ज्यादा नेट ले लेता है, या फिर कभी कभी लोड होने में बहुत टाइम लेता है। बिकॉज मैंने जब से वीडियो स्टार्ट करी है ना, मैं तब से ऑर्डर डिटेल्स निकालने का ट्राई कर रही हूँ, बट ये अभी तक ओपन नहीं हुआ है। द ओनली डिसएडवांटेज जो मुझे लगा है शायद वो यही वाला है। सो मैं सारी प्राइस रेंजेस प्लस सारे आइटम्स मैं यहाँ पे ऑलरेडी कहीं पे मेंशन करती जाऊंगी। एंड अगर हम ये ट्यूबलाइट की बात करें, सो दिस इज द क्यूट लिटिल ट्यूब लाइट एंड आई डोंट नो मैं इसे कैसे यूज करने वाली हूँ, बट मुझे पर्टिकुलरली ये बहुत ज्यादा क्यूट लगी थी एंड आई स्टिल डोंट नो कि ये इसकी लाइटिंग वगैरह कैसी है। वेट आई जस्ट ट्राई इट, बिकॉज मैंने भी अभी ट्राई नहीं करी है। एंड जैसे ही मैंने इसे देखा ना, ओ माय गॉड, ये कुछ ज्यादा ही लाइट आ रही है इसमें से। मैंने इतना एक्सपेक्ट नहीं करा था। आई थिंक मैं इसे यूज कर सकती हूँ अपने फ्रंट सेक्शन में रखने के लिए, या फिर जो मैं मेकअप वीडियोस बनाती हूँ इसे मैं डेफिनेटली यूज करने वाली हूँ, बिकॉज बैकग्राउंड पे भी आप इसे यूज कर सकते हैं। प्लस इस ट्यूबलाइट में आपको अलग अलग वेरियंट मिलते हैं कलर्स। मैंने पर्टिकुलरली ये व्हाइट कलर लिया है, बट आपको इसमें अलग अलग कलर्स मिल जाएंगे, डेफिनेटली मिल जाएंगे, बिकॉज मैंने येलो और रेड तो देखा ही देखा था। अभी शॉपी खोल रहा होता तो मैं आपको प्राइस रेंज बताती, बट ये बहुत ज्यादा अफोर्डेबल था। सो यू कैन सी द लाइट इतनी ज्यादा ब्राइट है, मैंने बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं करा था कि ये इतनी ज्यादा तेज रोशनी देगा। मुझे इसका साइज देख के लग नहीं रहा था कि ये इतना अच्छा चलने वाला है, बट ठीक है, इसका प्लस पॉइंट ऑफ कोर्स। एंड नेक्स्ट वन इज आल्सो रिलेटेड टू लाइटिंग। ऑलराइट, सो द नेक्स्ट वन इज अगेन इन द कैटेगरी ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स। एंड मैंने इसके अलावा एक और ऑर्डर करा था, जो वो मिनी एलईडीज आती है ना येलो कलर की, वो मैंने इंस्टाग्राम स्टोरी पर डाला था, बट वो अभी मिल नहीं रहा है। और मुझे पता है कि जैसे ही मैं वीडियो शूट करना बंद करूंगी ना, वो मुझे सामने मिल जाएगा कहीं पे, बट अनफॉर्चुनेटली वो मुझे नहीं मिल रहा है। सो मे बी आपके साथ में वो बाद में शेयर करूं। सो दिस इज बेसिकली एलईडी स्ट्रिप। तो अगर आपने देखा होगा जो रील्स वगैरह में ऊपर एलईडी स्ट्रिप लगी रहती है ना अलग अलग कलर्स की, पर्पल येलो, तो वो मैंने येलो शेड में ली है। मैं बेसिकली पर्पल शेड में लेने वाली थी, बट आई थिंक ये मुझे येलो रिसीव हो गई है। आई डोंट नो, बट इसका फंक्शन मुझे अभी पता नहीं है कि इसे कैसे क्या यूज करना है, बट ये मुझे मिली थी 5 मीटर की। एंड इसका प्राइस रेंज वगैरह भी बहुत अफोर्डेबल था, मैंने हार्डली आई थिंक 500 के ऊपर कुछ परचेज करा है। इवन मुझे लग रहा है मैंने 300 के ऊपर भी कुछ परचेज नहीं करा है, आई गेस। सो दिस इज द 5 मीटर एलईडी स्ट्रिप एंड ये है आई थिंक येलो शेड में। इसे मैं अभी ऑन नहीं कर सकती हूँ, बिकॉज मुझे इसे ऑपरेट करना पड़ेगा। या किसी भी इलेक्ट्रॉनिक शॉप पे जाके करवा सकते हैं, वो 10 रुपए लेगा ज्यादा से ज्यादा, इससे ज्यादा वो नहीं लेगा। एंड फिर उसके बाद मैं सोच रही हूँ इसे ऊपर लगाने के लिए, लाइक रील्स वगैरह में ऊपर एलईडी स्ट्रिप बहुत ज्यादा क्लासी लगती है, तो मैं डेफिनेटली उसे ऊपर ही लगाने वाली हूँ। सो अगेन दिस इज वन ऑफ द बेस्ट परचेज जो मुझे लगा है, बट इसे यूज करने के बाद शायद मुझे और अच्छा समझ में आएगा कि ये कैसा चल रहा है। ऑलराइट, सो फाइनली शॉपी ऐप अब ओपन हो गया एंड आई कैन शेयर द प्राइसेस एज वेल। सो जो रिंग लाइट मैंने आपके साथ शेयर करी थी वो थी 245 रुपीज की, वो ऑलरेडी आपको मैंने पहले भी बता दिया था। एंड द प्लस पॉइंट इज आपको फर्स्ट टाइम ऑर्डर पे कोई भी डिलीवरी चार्जेस नहीं लगेंगे। मैंने सेकंड टाइम अभी शॉप नहीं करा है तो आई डोंट नो, बट फर्स्ट टाइम में आपको कूपन मिलता है फ्री शिपिंग का, सो यू कैन यूज दैट। एंड नेक्स्ट वन जो मैंने आपके साथ शेयर करा इज अ ट्यूब लाइट ऑफकोर्स। तो ट्यूब लाइट की प्राइस है 59 रुपीज। 59 रुपीज में आपको मिनी ट्यूब लाइट मिल रही है, वेरी गुड डील। एंड वो है 5 वॉट की, इसमें ऑलरेडी पूरा एक्सप्लेनेशन दिया गया है। सो नेक्स्ट वन इज द एलईडी स्ट्रिप। सो एलईडी स्ट्रिप की प्राइस है 195 फॉर 5 मीटर, विच इज अगेन अ वेरी गुड डील। आपको एग्जैक्ट मार्केट वैल्यू जो है ना वही प्राइस रेंज मिल रहा है, कोई महंगा नहीं मिल रहा है। बिकॉज बहुत सारे लोग बोलते हैं कि ऑनलाइन में हमें महंगा मिलता है, बट शॉपी पे आपको एग्जैक्ट प्राइस रेंज में मिल रहा है जो मार्केट प्राइस में चल रहा है। नाउ मूविंग फर्दर, आई हैव दीज क्यूट बॉक्सेस। सो मैंने आई थिंक ये पैक ऑफ कितना था, वेट लेट मी चेक। तो ये मैंने मिनी प्लास्टिक कंटेनर्स मैंने परचेज करे थे एंड जो कलर है ना वो बिल्कुल रैंडम है, आप कलर डिसाइड नहीं कर सकते हैं।
क्वालिटी इसकी बहुत ज्यादा अच्छी है, मैंने बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं करा था। लिटरली फील हो रहा था शायद वो लोकल क्वालिटी का प्रोडक्ट मुझे पकड़ा देंगे, बट ऐसा नहीं है, द क्वालिटी इज वेरी गुड। एंड आपको इसमें अलग अलग पैक मिलते हैं, लाइक मुझे पर्टिकुलरली मैंने लिया था पैक ऑफ 9, अदर देन दिस आपको मिलता है पैक ऑफ 1, पैक ऑफ 3 प्लस पैक ऑफ 6 एंड पैक ऑफ 9। तो पैक ऑफ 9 आपको मिलेगा 119, जो कि डिस्काउंट में आपको 110 का मिल जाएगा, एंड पैक ऑफ 6 है आपका 89 रुपीज का। इसके अलावा आप चेक कर सकते हैं, मेरे अभी भी 9 पैक्स मैंने अभी ऐसे ही रखे, बहुत ज्यादा यूजफुल है। इवन अगर आपको इसे किचन में यूज नहीं करना ना, तो आप इसे अपने वार्डरोब में यूज कर सकते हैं, इयररिंग्स वगैरह या ज्वेलरी वगैरह रखने के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होते हैं इस टाइप के कंटेनर। सो यू डेफिनेटली गो एंड चेक दिस आउट। ओके, द नेक्स्ट वन इज अगेन अ स्टोरेज बॉक्स, एंड ये मैंने बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं करा था कि ये मुझे 199 का मिल जाएगा, बिकॉज मेरे पास एक स्टोरेज बॉक्स ऑलरेडी था, ये वाला जो मैंने अमेजोन से परचेज करा था, आई थिंक 300 की रेंज में, बट ये मुझे फाइनली उसी उसी पैटर्न में मिला जिसमें आप डिवाइड कर सकते हैं सेक्शन, वो भी 199 में। सो मैंने इसके दो पीस लिए हैं, दिस वन एंड दिस वन। सो मैंने कल इसमें अपने आइटम्स भी रख लिए, मैंने पूरा अपना वार्डरोब भी सेट कर लिया है कल। सो या ये वाला फर्स्ट वाला मैं दिखा दूं, बिकॉज इसमें कम सामान है थोड़ा। So this is the storage box जो मुझे मिला था 199 का। 199 में आपको इतना सही storage box मिल रहा है, मैंने इसके दो purchase करे हैं, and मेरे पास एक इसका already था जो कि ये वाला है, and ये मैंने Amazon से लिया था। सो दिस इज लाइक अ किंडर कूल, बिकॉज इसमें आपको सेक्शंस अपने अकॉर्डिंग डिवाइड करने हैं, मुझे पर्टिकुलरली इसकी ये चीज अच्छी लगती है। आई जस्ट ओपन, मैंने इसमें पूरा अपना हेयर क्लिप्स रखा है। Wait, I think now it's like good. So, इसमें आपको इस टाइप के कुछ सेक्शन डिवाइड करने के लिए पीसेस अवेलेबल है, एंड फिर आपको इसमें मिडल में रखना है, एंड फिर वो सेक्शन डिवाइड हो जाएगा। सो मैंने इसका फुल रिव्यू दिया था मेरे Amazon वाली वीडियो में, सो गो एंड चेक दैट आउट। अदर देन दिस मुझे इसकी क्वालिटी वगैरह बहुत ज्यादा अच्छी लगी है। 199 में मैं डेफिनेटली इसके 2 से 3 स्टोरेज बॉक्स परचेज करने वाली हूँ। सो या नेक्स्ट वन इज अ कर्टन, एंड कर्टन मैंने लिया है बेसिकली इसी बैकड्रॉप के लिए, जो क्रीम वाला है ना, इसके ऊपर मैं व्हाइट कलर का अब बैकड्रॉप में सेट करने का सोच रही थी, बिकॉज ऑफकोर्स मैं अभी प्लेस चेंज नहीं कर सकती हूँ। सो इस टाइप के जो कर्टन आते हैं ना, ये मैंने ऑनलाइन देखे थे, बट वो मुझे वहां पे बहुत ज्यादा कॉस्टली लग रहे थे, सो इसलिए मुझे ये शॉपी पे मिला था। ओके, सो इसका प्राइस है 299। 299 में आपको दो मिलते, 150 का एक पड़ेगा आपको। तो ये इसका एक तो लेंथ वगैरह और साइज वगैरह मेरे लिए परफेक्ट है, वहां से वहां तक, मतलब मेरे को 12 फीट के आराम से मिल रहा है, मतलब मेरे को 8 या 12 फीट का मिल रहा है। इसकी हाइट वगैरह प्लस इसकी वेथ वगैरह बहुत ज्यादा सही है, एंड अभी तो मैंने इसे यूज उतना करा नहीं, मैंने एक ही रील में यूज करा है, बट ऑल आई कैन से कि इसकी क्वालिटी वही है। ऐसा नहीं है कि आपको 300 में सामान दे रहे हैं तो वो सस्ता टिकाऊ पकड़ा देंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। यू कैन सी द क्वालिटी, एंड ये बहुत ज्यादा सॉफ्ट है, मतलब मुझे लग नहीं रहा है कि ये नीचे से ऐसे उलझ जाएंगे, बट उलझ जाएंगे तो हम इसे सुलझा भी लेंगे। सो ये बेसिकली मैंने अपने बैकड्रॉप के लिए परचेज करा है। बैकड्रॉप से याद आया मुझे, वहां पे ए दिख रहा है, वो भी मैंने अपने बैकड्रॉप के लिए परचेज करा है। द ओनली डिसएडवांटेज राइट नाउ इज मेरे पास सेल अवेलेबल नहीं थी, इसलिए उसकी जो लाइट है ना वो बहुत ज्यादा डिम हो गई है। सो आई जस्ट शो यू, ये अभी वो फ्लक्चुएट हो रही है इसकी लाइट, बिकॉज मेरे पास इसके सेल नहीं थे, एंड इसमें वो बड़े वाले सेल लगेंगे, ये वो शट डाउन ही हो गया यार, शिट यार। सो मैं नीचे कर रही हूँ, तो आई थिंक सेल वो जा रहा है थोड़ा अपने डायरेक्शन में। सो दिस इज द ए, एंड ये मैंने लिया था 187 का। मैं इसमें सेल डाल के वहीं पर रखने वाली हूँ अपने बैग पे। सो या अभी मैं इसे ऐसे ही रख देती हूँ। 187 इज वेरी अफोर्डेबल, तो ये इंस्टाग्राम पे प्लस अदर वेबसाइट्स पे बहुत ज्यादा कॉस्टली मिलने वाला है। ऑलमोस्ट सारे लेटर्स अवेलेबल है, तो आप चेक कर सकते हैं, एंड इस टाइप के जो लैंप आते हैं ना वो भी अवेलेबल है, तो बहुत सारी ऐसी होम डेकोर के भी आइटम्स देख सकते हैं। नेक्स्ट वन इज अगेन अ स्टोरेज बॉक्स, एंड ये मैंने बेसिकली लिया है मेरे मेकअप ब्रशेस को हैंडल करने के लिए, बिकॉज अभी मैं क्या करती थी, जो पेन वाला स्टोरेज बॉक्स आता है जिसमें हम पेन रखते हैं, पेन बॉक्स वीगन से, मैं उसमें रखती थी। मेरे पास अभी तक कोई ब्रश रखने के लिए पर्टिकुलरली कोई स्टोरेज बॉक्स नहीं था। सो दिस इज द स्टोरेज बॉक्स जो मुझे वहां पे मिला है, एंड जस्ट लुक एट द क्वालिटी। द प्लस पॉइंट इज आपको इसमें सेक्शंस मिलते हैं, कैन यू गाइस बिलीव दिस, बिकॉज अभी तक मैंने देखा था तो उसमें प्लेन ही दिखते थे, बट यहाँ पे आपको 3 सेक्शन मिलेंगे। द वेरी फर्स्ट इज दिस, एंड सेकंड वन इज दिस, थर्ड वन इज दिस, तो आपको इसमें 4 सेक्शन मिलते हैं, 1 2 3 4, 4 सेक्शन मिलते हैं आपको इसमें। प्राइस रेंज इज जस्ट ₹99, 99 में ही आपको मार्केट में मिलने वाला है, 99 में ही आपको ऑनलाइन मिल रहा है, सो क्या ही जरूरत है हमें बाहर जाने की। सो ये तो मेरे लिए तो बहुत ज्यादा हेल्पफुल, एंड इसके अलावा भी मैंने बहुत सारे स्टोरेज बॉक्सेस देखे थे पर्टिकुलरली मेकअप के लिए, मैं अपने नेक्स्ट परचेज मैं पूरा मैं सोच रही हूँ अपना मेकअप किट ही, मतलब मेकअप स्टोरेज बॉक्स ही ले लूँ वहां से, बट लेट्स सी मैं वहां से क्या क्या परचेज करती हूँ। नेक्स्ट स्टोरेज बॉक्स जो मुझे वहीं पे मिला था, बेसिकली ये भी मेकअप की कैटेगरी में था, इज दिस, एंड इसमें मैंने अपना सबसे बड़ा आई शेडो रख लिया, बिकॉज ये मुझे नॉर्मली कहीं मिलता नहीं है इसको रखने के लिए जगह। सो इसको मैंने ऑलरेडी डिवाइड कर दिया, फर्स्ट सेक्शन में मैंने आई शेडो प्लस ये जो स्टोन है ना आई मेकअप के लिए, ये मैंने रख दिए। सेकंड वाले में मैंने ये अपना आई लाइनर किट रखा है पूरा,
एंड इसमें मैंने परफ्यूम्स प्लस इसमें मेरा एक फाउंडेशन एंड इसमें मेरे लिक्विड आई शेडोज रखे इस वाले सेक्शन में. सो ये मेरे लिए पर्टिकुलरली बहुत ज्यादा हेल्पफुल है. मैंने कल ही इसे अरेंज करा है. मैं पहले सोच रही थी कि अरेंज ना करूं, पहले आप लोगों के साथ शेयर कर दूं, बट देन आई थॉट कि शायद अरेंज करने के बाद आपको ज्यादा अच्छा क्लियर पिक्चर व्यू मिल जाएगा कि कैसे क्या सामान रखना है. एंड इसका प्राइस रेंज था 125, बिकॉज इसकी साइज थोड़ी सी उससे बड़ी है मैं कहूंगी, प्लस उसमें एरिया भी ज्यादा है, सो इसलिए उसका प्राइस है 125 एंड इसका है 99. एंड ट्रस्ट मी, अगर आपको क्वालिटी में थोड़ा बहुत भी इशू है ना, आप आंख बंद करके भरोसा कर सकते हो, बिकॉज इससे बेटर क्वालिटी आपको नहीं मिलेगी. आपको अगर ये लग रहा है कि इस प्राइस रेंज में आपको लोकल क्वालिटी मिलने वाली है, सो डेफिनेटली नॉट. आई एम इन लव विद द क्वालिटी. मैं डेफिनेटली इसका पार्ट टू शेयर करूंगी बहुत जल्दी, बिकॉज मैंने विशलिस्ट ऐसे कर दिया आइटम, लाइक 15 से 20 आइटम मैं ऐसे डेली विशलिस्ट कर रही हूँ, पता नहीं मैं क्या करूंगी. इस आइटम इज ऑल्सो वेरी इंटरेस्टिंग, जो कि है हमारा स्टोरेज बॉक्सेस. एंड स्टोरेज बॉक्सेस मैंने ऑलरेडी, आई थिंक मैंने जो लोकल मार्केट से शेयर कर रहे थे ना, वो आप लोगों के साथ शेयर करा था इन माई वार्डरोब क्लीनिंग वीडियो. एंड ये मुझे मिला है, साइज छोटी है, बट इसकी ये मुझे मिला था सेट ऑफ 3, बट इसका जो साइज है ना वो बहुत ज्यादा छोटा है. लाइक जो आपको नॉर्मल स्टोरेज बॉक्स मेरे वार्डरोब में मिले थे ना, उसका ये मिनी से भी मिनी वर्जन है. इसकी जो खास बात है, आपको 3 मिलते हैं 213 रुपए के, 213 लाइक 213 में आपको 3 मिलती है बास्केट्स. सो दीज आर द मिनी बास्केट्स. ये मैंने ऑलरेडी एक में तो अपना सारा फाउंडेशन वगैरह रख लिया, ये 2 अभी मैंने यूज नहीं करे हैं, बट ये भी जल्दी जाने वाले हैं, बिकॉज मेरे वार्डरोब में यही सारी चीजें. बिकॉज एक तो इतना इजी हो जाता है ना आइटम्स को कैरी करना इन सब में, बिकॉज आप पर्टिकुलरली मतलब अपने स्टोरेज बॉक्सेस में डिवाइड कर सकते हैं. लाइक इसमें आपको आई शेडोज रखना है, इसमें आपको फाउंडेशन रखना है, इसमें आपको बुक्स रखनी है, इसमें कॉपीज रखनी है, सारी चीज. अगर आपको स्टेशनरी का शौक है तो भी आप इसमें डिवाइड कर सकते हैं. 213 रुपए में आपको 3 बास्केट मिल रही है, वेरी अफोर्डेबल, वेरी गुड क्वालिटी. मुझे पर्टिकुलरली शॉपी से इतनी ज्यादा एक्सपेक्टेशंस हो गई हैं. आई डोंट नो, मैं चाहती नहीं हूँ कि कोई आइटम अब बुरा आए. पार्ट टू में तो मैं धमाल मचा दूंगी इसमें क्या क्या लेने वाली हूँ मैं. नेक्स्ट आइटम इज लाइक रिलेटेड टू फैशन. ये मैंने इतना ज्यादा देख लिया था इंस्टाग्राम पे, लाइक एवरीवन वाज यूजिंग दिस एंड आई वाज लाइक ये मुझे भी चाहिए. सो मैंने अमेजोन और फ्लिपकार्ट चेक करा, बट वहां पे ओ माई गॉड द प्राइस रेंज वॉज नियरली ₹300. सो देन आई थॉट कि मुझे शॉपी पे मे भी शायद मिल सके. मैं पर्टिकुलरली हेयर एसेसरीज बहुत सारी देख रही, मुझे बो और स्क्रंचीज लेना था, बट फाइनली मुझे वो क्लेचर मिल गया जो मैं वहां से ढूंढ रही थी. एंड ये मुझे मिला था ₹100 का ये पर्ल क्लेचर आपको मिलता है. एंड द क्वालिटी इज सुपर, से क्वालिटी इज सो अमेजिंग. एंड ये बहुत ज्यादा टाइट है, वो लूज बिल्कुल नहीं है. मे बी शायद थोड़ा यूज करने के बाद हो जाए, बट मैं इसे नॉर्मल डेज में यूज नहीं करने वाली हूँ. मैं इसे पर्टिकुलरली फंक्शन वगैरह में ही निकालूंगी, बट ₹100 के अकॉर्डिंग तो बेस्ट है ये. कमिंग अप नेक्स्ट, मैं सोच रही थी कि मैं कपड़े भी लेके दी, बिकॉज आफ्टर ऑल मैं ट्राई कर रही थी कि मैं सब कुछ लाइक एक एक कैटेगरी से परचेज करूँ आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए. सो आई थॉट कि मैं टी शर्ट ही लेके देखती हूँ. मैंने टी शर्ट प्लस एक प्लाजो करा था, सो मैंने ट्रायल वर्जन के लिए मैंने टी शर्ट ही परचेज करी, बिकॉज टी शर्ट इज लाइक अगर वो अच्छी नहीं आई तो मैं घर में पहन सकती हूँ, बट वो घर में पहनने लायक नहीं आई है, वो बाहर ही पहनने लायक आई है. एंड जस्ट लुक एट द क्वालिटी, मुझे जैसी चाहिए थी नहीं ठीक वैसी है. लाइक मुझे स्लीव्स चाहिए थी एल्बो तक की, वो ओवर साइज पैटर्न में, मैंने ग्रीन कलर की देखी थी, आई थिंक 230 rupees समथिंग की. एंड जस्ट लुक एट द स्लीव्स, मुझे जैसी चाहिए थी ना ये ठीक वैसी ही है. द क्वालिटी इज अमेजिंग, कॉटन है, 100% कॉटन है. एंड साइज है मेरा इसमें एम, आपको एस, एक्सएस, एम, एक्सएल, एल, जो भी साइज चाहिए सारी अवेलेबल है. मुझे पर्टिकुलरली शॉपी पे लग रहा था कि शायद टी शर्ट का जो फैब्रिक है ना वो बहुत ही ज्यादा लो आएगा, बट आई वॉज रॉन्ग, मैं बहुत ज्यादा गलत थी. मुझे सारे आइटम्स A+ रिसीव हुए हैं. नाउ आई थिंक इसके बाद मेरे पास एक और आइटम है, आई थिंक द लास्ट वन इज दिस ओनली. मेरे पास स्टोरेज बॉक्स में ही था, लाइक ये मैंने स्पेसिफिकली मैंने किचन के लिए ही मंगाया है. सो दीज आर द स्टोरेज बॉक्सेस एंड ये बेसिकली किचन के लिए मैं अपनी मम्मा को देने वाली हूँ. आपको इसमें मिलेगा एक में 3 सेट एंड आई हैव 4 लाइक 12 सेट्स, तो टोटल आपको मिलेंगे इसमें 12. एंड ये मैंने क्यों लिया है ये भी मैं बता दूँ, इसमें अच्छी खासी क्वांटिटी का कोई भी सामान बन जाएगा. स्पेसिफिकली आप अपनी मॉम को इसे गिफ्ट कर सकते हैं, या फिर अगर आपको कहीं भी गिफ्ट देना है ना तो भी ये यूजफुल है. मैं इसे आपको लाइक लगा के दिखाती हूँ कि इसका प्लस पॉइंट क्या है, फिर उसके बाद आपको पता चलेगा कि मैंने इसे क्यों लिया है. ऑलराइट, सो मैंने इसे लॉक कर दिया है. नाउ यू कैन सी द मैजिक, लाइक अभी मैंने इसे स्क्रॉल करा है तो ये पैक हो गया है. ओके, सो नाउ यू कैन सी ये पैक हो गया है. अब मैं इसे वापस पीछे स्लाइड करूंगी. सो ये स्लाइड के लिए यहाँ पे प्रोवाइडेड है, तो मैं इसे वापस स्लाइड करूंगी, ये ओपन हो गया है. मैं इसे वापस स्लाइड करूंगी, ये पैक हो गया है. सो इट्स वेरी कन्वीनियंट, दैट्स व्हाई आई हैव परचेस्ड दिस. मैंने इसे देखते ही साथ इसे ले लिया था. लाइक मैंने इसके रिव्यूज देखे एंड एवरीवन वाज लाइक ये बहुत ज्यादा कन्वीनियंट है यूज करने के लिए. मैंने सोचा कि मुझे चाहिए भाई, मैंने कहा इसे मैं पता नहीं कितने तरीके से यूज कर लूंगी. सो इसलिए मुझे इसका प्लस पॉइंट यही लगा था कि आप अपने अकॉर्डिंग आइटम निकाल सकते हैं, रख सकते हैं, इवन आप अपनी मम्मा को गिफ्ट कर सकते हैं.
सो मैं तो बेसिकली किचन में ही देने वाली हूँ. उसके अलावा आप देख सकते हैं अगर आपको पर्टिकुलरली इसकी यूज. प्राइस रेंज इज लाइक 277 में आपको 12 पीसेस मिल रहे हैं, विच इज अगेन वेरी अफोर्डेबल. आपको 12 पीसेस मिल रहे हैं स्टोरेज बॉक्सेस के प्लस 299 में. 299 प्लस मुझे डिस्काउंट मिला था 277 मिला था, तो 277 में मुझे ये 12 पीसेस मिले हैं. आपको मार्केट में भी नहीं मिलने वाले हैं. अभी ने मेरा लिटरली दिल जीत लिया है सारे आइटम से. गाइस दैट्स इट फॉर टुडे. मुझे पर्टिकुलरली बहुत मजा आया आज के वीडियो में, बिकॉज मैंने इतने अच्छे अच्छे आइटम्स बहुत टाइम से नहीं देखे थे इस प्राइस रेंज में. एंड ऑल्सो टेल मी इन द कमेंट सेक्शन की पार्ट टू में आपको क्या क्या देखना है, लाइक आपको क्या क्या देखना है, तो मैं वो सारे आइटम्स इंक्लूड करूंगी. एंड आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो. टिल देन स्टे होम एंड स्टे नेगेटिव. बाय. But if I lay down and I play dead and I stay dead, baby, you'll get sick of being the